सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जो है सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रिकॉशन जरूरी है भाई। भाई मैं अभी जींद के पटियाला चौक शहर में पटियाला चौक पर आया हूँ, जींद शहर के पटियाला चौक पर, और नाकाबंदी पूरी जोरों शोरों से है और बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। इन द सेंस ऑफ मतलब आवागमन रेयर है, रेयर बड़ा रेयर है। और जो पुलिस वाले हैं, आ जाओ भाई एक बार, बड़ी सख्ताई के साथ, जरूरत है देहांत से बढ़िया एकांत। भाई बात सही है, तो बहुत सारी वीडियोज हम घर पे बैठे बैठे देखा, हाँ पिटाई होने लग रही, छिताई होने लग रही, बहुत कुटाई होने लग रही है। मैं सिर्फ जनता से यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई अपने घर रहो, इससे बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा घर पर रहने का। भाई घर बैठे बैठे तनख्वाह मिले, घर बैठे बैठे सारे काम। हाँ जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए सरकार सोच रही है, लेकिन जो प्राइवेट है जो सरकारी है उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, सरकार ने कह भी दिया भाई। तो अब बात कर लेते हैं। और जी कैसे हैं सर? बढ़िया है जी। अच्छा कितनी सख्ताई हो रही है यहाँ पे, क्या कुछ लग रहा है जी? सख्ताई जी, पब्लिक को समझा रहे हैं भैया अपने घर से मत निकलो, और निकलते हो तो जरूरी कार्य से निकलो, अन्यथा अपने घर पर ही रहो। जो हम घर बैठे बैठे यूट्यूब वीडियो देखा भाई, हमें पिटाई छिताई यहाँ पे भी हो रही है, लोग मान रहे इसे नॉर्मली? नहीं नहीं, अपना भाईचारे से मान रहे हैं। मान रहे हैं। ठीक, कितनी मुश्किल हो रही है जनाब यहाँ पे लोगों को समझाना? लोगों को समझा देते हैं जी, मान जाते हैं पब्लिक वाले यहाँ। ओके भाई, देखो जींद शहर है, बड़ा पोलाइट शहर है यार, यहाँ सारे भाई नुए मान जे हैं। असल में तो कोई हंगा दिंगी करने की जरूरत को नहीं है, और इतना बढ़िया शहर है, अब तक एक भी यहाँ पे केस आया नहीं है, सबसे बढ़िया बात है। और भाई मैं जनता से यही आग्रह करूँगा कि पुलिस और डॉक्टर दोया की इज्जत करो भाई। फिलहाल तो सारा देश इन दो आदमियों पर टिक रहा है, पुलिस पर डॉक्टर पर। भाई बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे उब गए, अगर सेवा करनी है तो भाई जहाँ पे नाके पे पुलिस वाले दिखे उनकी सहायता करो, उनको कोऑपरेट करो। और भाई धन्यवाद, जय हिंद भाई। भाई राम राम भाई, दोबारा फिर आगे यहाँ पे मेरे कुछ भाई खड़े हैं, बात कर लेंगे भाई इनते। भाई राम राम भाई, साफ सफाई करने लग रहे हो, सारा शहर बंद है, सारा देश बंद है, तो डर कौन लगता बीमारी से? ना जी, डर क्या था, देश के लिए तो करना पड़ा है। घर के नू नहीं कहते भाई रहन दो, छुट्टी मार लो, अपना बीमारी है, करा कुकर आ जाओगी, कुकर नहीं, ये किस्मत का जी, जो भगवान लिख रखे तो होगा जी। कितना डर लगा भाई? डर तो लगता ही नहीं। लगता ही नहीं? नहीं। क्या बात है। हाँ भाई, डर तो लगता नहीं, बाकी क्या करे, काम है, करना पड़ेगा हमको। ऐसा सरकार बोल रही है कि साफ सफाई रखने के लिए बहुत जरूरी है। घर वाले कहते तो होंगे तू रहने दे, बाहर इतनी बीमारी चल रही है, रेस्ट कर घर पे। कुछ नहीं कहते है ना, लेकिन क्या करे जी, मजबूरी है हमारी। हाँ जी। हाँ भाई, घर वाले रोकते हैं क्या, जा मत नौकरी पे? नहीं जी, काम सही है फिर, यो डर तो लगता ही होगा। नहीं भैया, बीमारी इतनी फैल रही है। नहीं, हमें करते हैं बीमारी का इलाज, तो कूड़ा तो हम उठाते हैं, हमको ही लगेगी, देश को थोड़ी लगेगी, देश तो कूड़ा गिरता है, हमको उठाना पड़ता है। डर लगता है फिर से? हमको नहीं लगता डर। तो भाई ये मेरे भाई हैं, मैं जनता से फिर आग्रह करूँगा भाई, कूड़ा करकट भाई बरने कम गिरो, इनके लिए भी बिरान मट्टी हो जाए भाई, इनके बारे में भी सोचो। ये हमारे देश के वो साफ सफाई करने वाले हैं जिनसे हम रोगों से बचा, हाँ इनके बारे में थोड़ा सा सोचो भाई, फिर बार ना कूड़ा करकट गिरो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ओके भाई, राम राम भाई। फिर तीसरी जगह आए हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। भाई साहब राम राम। ना ना, एक बार आप तो करा, कोई बात नहीं। राम राम जी। और जी ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। अच्छा, इतनी महामारी चल रही है फिर भी सफाई में लग रहे हो, घर के नहीं कहते भाई घर रह लो जी, और डर है घर के? कोई मराफसर तुम मने मराफसर जो कहते काम करो, काम तो करना पड़ेगा, ड्यूटी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ड्यूटी भी जरूरी है। सही बात है, ड्यूटी पर नाट थोड़ी सी कम,
मैंने ड्यूटी का काम जो सारा प्रशासन का बड़े अधिकतर ड्यूटी जो डिपार्टमेंट उनकी छुट्टी भी कर रखी है, आपकी कोई छुट्टी नहीं? नहीं हमारी छुट्टी कोई नहीं कोई भी। चलो जी। नहीं, बड़े बड़े अफसर भी तो डी साहब भी तो फिरते हैं, जो बड़े बड़े अफसर सारे फिरते हैं जी, हम भी तो साथ में। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है भाई, ऐसा पढ़ने करना पड़ेगा हमने भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई पॉजिटिव एटीट्यूड। और मैं सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि भाई रिस्पेक्ट रखो, सबकी रखो, हर व्यक्ति देखो सारा देश घर में दुबका पड़ा है, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ये मेरे भाई कितनी मेहनत से लगे रहे हैं, रिस्क इन्होंने कितना है इस बारे में सोचा जाए। चलो यहाँ पर बात कर ले जो अधिकारी हैं। नमस्कार जी, कैसे हो जनाब आप? हाँ ठीक। सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, डिपार्टमेंट की छुट्टी है, इनकी छुट्टी नहीं? हाँ जी, सफाई कर्मचारी को छुट्टी नहीं है, सफाई कर्मचारी उसी दिन से, या बीमारी चल रही है नहीं, उसी दिन से बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत लगन से इस बीमारी के लिए अपनी ड्यूटी पे सफाई कर रहे हैं है? उसी दिन से भाई देखो सच में यार बड़ा, मैं सिर्फ आम जनता से यही कहूँगा कि इज्जत रखो हर व्यक्ति की। आप घर में बैठे हो और यहाँ पे फिर भी हमारी देश खातर लोग लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी राय क्या है इस बारे में। जैन भाई।